हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग नाउन के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो आज हम लोग नाउन के ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है नाउन ऑफ जेंडर। तो ये नाउन ऑफ जेंडर होता क्या है और क्या क्लासिफिकेशन है नाउन ऑफ जेंडर का, और नाउन ऑफ जेंडर को मतलब मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में जब कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं, हम उन सारे रूल्स को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन ऑफ जेंडर। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन ऑफ जेंडर, मतलब जो नाउन ऑफ जेंडर है उसको हमने चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? फर्स्ट टाइप इज मस्कुलिन जेंडर। सो व्हाट इज मस्कुलिन जेंडर, क्या होता है मस्कुलिन जेंडर? तो अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मस्कुलिन जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो कि मेल स्पीशीज की या फिर मेल एनिमल की बात करे उस टाइप के नाउन को हम लोग बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर हियर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज लॉयन, सन, हीरो, बॉय, समर एटसेट्रा। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सारे मस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से दूसरा टाइप है फेमिनिन जेंडर। सो व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल और फीमेल स्पीशीज इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। ठीक है, ऐसे नाउन जो कि फीमेल स्पीशीज के बारे में बताते हो उनको हम कंसिडर करेंगे फेमिनिन जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल लॉयनेस, हीरोइन, गर्ल, नेचर, मून एटसेट्रा। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे फेमिनिन जेंडर के। ऐसे ही थर्ड टाइप ऑफ नाउन ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर। सो व्हाट इज अ कॉमन जेंडर, क्या होता है कॉमन जेंडर? अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल स्पीशीज इज सेड टू बी ऑफ अ कॉमन जेंडर। मतलब ऐसा नाउन जो कि फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, इस टाइप के नाउन्स को हम लोग कॉमन जेंडर में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, फर्स्ट इज पेरेंट, देन कजिन, देन फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी। ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं इनके लिए हम लोग कॉमन जेंडर यूज करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेरेंट जो है वो मेल पेरेंट है या फिर वो फीमेल पेरेंट है। सिमिलरली कजिन है तो कजिन ब्रदर है या कजिन सिस्टर है। ऐसे ही फ्रेंड तो कोई मेल फ्रेंड है या फीमेल फ्रेंड है। ऐसे ही चाइल्ड तो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। सिमिलरली बेबी तो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, हमें नहीं पता। तो ऐसे नाउन जो कि फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, इन सबको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कॉमन जेंडर। आई होप आपको कॉमन जेंडर भी क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप इज न्यूट्रल जेंडर। सो व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर अ मेल नॉर फीमेल। सच टाइप ऑफ नाउन इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। इस टाइप के नाउन को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल्स दिए आप लोगों को, जैसे कि बुक हो गया, आपका पेन हो गया, पेपर हो गया, रूम, टेबल। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ना ये सारे एग्जाम्पल को हम कंसिडर करेंगे न्यूट्रल जेंडर में, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि वो मेल है या वो फीमेल है, ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, इसलिए इनको हम कंसिडर करेंगे न्यूट्रल जेंडर में। ऐसे ही व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड दे आर कंसिडर्ड ऑफ ईदर मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाई कर देंगे, उनका पर्सोनिफिकेशन कर देंगे, मतलब उनको कंपेयर कर देंगे लिविंग बीइंग से या फिर किसी पर्सन से, उस टाइम पे वो फेमिनिन भी हो सकता है और वो मस्कुलिन भी हो सकता है। ठीक है, तो मस्कुलिन कैसे होगा, फेमिनिन कैसे होगा, हम वो जान लेते हैं। मस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ, वॉयलेंस, एंगर एंड वेंजियंस। मतलब ये जो हमारा मस्कुलिन जेंडर होता है उसको हम लोग स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर हम वायलेंस दिखाना चाहें, एंगर दिखाना चाहें, तो भी हम उसको मस्कुलिन जेंडर में ही कंसिडर करेंगे। अब एग्जाम्पल दिए हुए आप सभी को, जैसे कि हो गया सन, डेथ, समर, विंटर, टाइम, ये जितने भी एग्जाम्पल है ना इन सभी को हम मस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करेंगे। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, द सन With his brilliance came out of the clouds. तो ये जो सन है ना, ये सन हमारा मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हमने इसके साथ पजेजन his यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो सन है, डेथ हो गया, टेबल, समर, विंटर, टाइम, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे मस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही फेमिनिन जेंडर इज यूज फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। ठीक है, इन सभी के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, इन सभी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेमिनिन जेंडर को। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मून, नेचर, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, पीस, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे फेमिनिन जेंडर के। देखो, द मून हैज़ हिडन
हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मून के लिए, ये जो मून दिया है इसके लिए यहाँ पे मैंने पजेशन यूज किया हर, ठीक है, क्योंकि ये जो मून है वो फेमिनिन जेंडर को बिलोंग करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर पर्सोनिफाइड, तो उस टाइम पे वो फेमिनिन भी हो सकते हैं और मस्कुलिन भी हो सकते हैं। नाउ सम रूल्स ऑफ चेंजिंग मस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर, अगर हमको मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है तो हम किन रूल्स को यूज करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट रूल इज समटाइम्स फेमिनिन जेंडर इज मेड बाई एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलिन जेंडर, मतलब हमारा जो मस्कुलिन जेंडर है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो उस मस्कुलिन जेंडर के पीछे ई डबल एस लगा देंगे। सिंपली एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे टेलर, तो ये जो टेलर है ना यहाँ पे मेल टेलर की बात हो रही है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फीमेल टेलर के लिए तो इस टेलर के पीछे मैं ई डबल एस लगा दूंगी तो ये बन जाएगा हमारा टेलरेस, और ये जो टेलरेस है ना ये है हमारा फेमिनिन जेंडर, ठीक है, ये टेलरेस हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। ऐसे ही ऑथर, ये जो ऑथर है ना ये है हमारा मस्कुलिन जेंडर, लेकिन अगर फेमिनिन जेंडर में इसको कन्वर्ट करना है तो इसके पीछे भी मैं ई डबल एस लगा दूंगी तो ये बन जाएगा हमारा ऑथरेस। ऐसे ही पोएट का बन जाता है पोएटेस, मैनेजर का बन जाता है मैनेजरेस, और पैट्रॉन का बन जाता है पैट्रोनेस। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे हमारे नाउन्स हैं उनको कन्वर्ट करना है हमें मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में, तो इसी तरीके से ई डबल एस उनके पीछे लगा देंगे और उनका कन्वर्जन हो जाएगा। आई होप आपको ये रूल क्लियर होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल, अगला रूल क्या कहता है हमारा, समटाइम्स फेमिनिन जेंडर इज मेड बाई एडिंग ई डबल एस टू द मस्कुलिन जेंडर, बिल्कुल पहले वाले जैसा ही रूल है ये, लेकिन इसमें कुछ चीज अलग है। वो चीज क्या अलग है, आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल ऑफ द मस्कुलिन एंडिंग, जो हमारा मस्कुलिन जेंडर होता है उसके लास्ट में जो वोवेल आता है उस वोवेल को हमें क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, मतलब उस वोवेल को हमको डिलीट करना है। एग्जाम्पल दिया हो आप सभी को एक्टर, तो एक्टर में ये लास्ट में जो ओ वाला वोवेल आ रहा है ना तो इस वोवेल को हमें ड्रॉप करना है, हटा देना है इसको, इस ओ की जगह ये जो आर है ये शिफ्ट हो जाएगा और आर के पीछे हमको लगा देना है ई डबल एस। इस तरीके से इस एक्टर का बन गया एक्ट्रेस और ये है हमारा फेमिनिन जेंडर। ऐसे ही इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर में जो पीछे ओ आया है इस ओ को डिलीट करना है, ओ की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा आर और आर के पीछे हमें लगा देना है ई डबल एस तो ये बन जाएगा हमारा इंस्ट्रक्ट्रेस। ऐसे ही हंटर का बन जाएगा हंट्रेस, प्रिंस का बन जाएगा प्रिंसेस और वेटर का बन जाएगा वेट्रेस। इसी तरीके से हम बना सकते हैं टाइगर का टिग्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम जब भी मस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना चाहें तो लास्ट वाला जो वोवेल है उसको ड्रॉप करेंगे और पीछे ई डबल एस लगाएंगे। इस तरीके से भी हम लोग मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला रूल है हमारा, समटाइम्स फेमिनिन जेंडर इज मेड बाई यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, हम एकदम अलग ही वर्ड को यूज करके मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दिया है आपको बॉय, तो ये जो बॉय है ना बॉय को अगर मैं फेमिनिन जेंडर में बोलना चाहूँ तो मैं एकदम ही अलग वर्ड यूज कर लूंगी, दैट इज गर्ल, ठीक है। ऐसे ही लॉर्ड होता है हमारा मस्कुलिन जेंडर और लेडी होता है हमारा फेमिनिन जेंडर। ऐसे ही फादर है हमारा मस्कुलिन और मदर है हमारा फेमिनिन। ऐसे ही अंकल हो गया हमारा, आंट हो गया, किंग हमारा मस्कुलिन और क्वीन हमारा फेमिनिन जेंडर है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी कि हम कभी कभी मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना चाहें तो एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही इन सम केसेस सम चेंजेस आर मेड टू द फर्स्ट और सेकेंड वर्ड ऑफ कंपाउंड मस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो जो हमारे कंपाउंड मस्कुलिन जेंडर होते हैं ना उनको अगर हम फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उनमें क्या करेंगे, हम उनके कुछ वर्ड्स को चेंज कर देंगे। जैसे कि मैन सर्वेंट जो है ये मैन सर्वेंट हमारा मस्कुलिन जेंडर में आता है, अगर मेरे को इसको फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना है तो मैं इस मैन की जगह लिख दूंगी मेड और मेड सर्वेंट बन गया हमारा, ये है हमारा फेमिनिन जेंडर। इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ, तो ये जो ब्रदर इन लॉ है ना इसमें ब्रदर की जगह मैं लिख दूंगी सिस्टर तो ये बन जाएगा हमारा सिस्टर इन लॉ एंड इट इज़ अ फेमिनिन जेंडर। ऐसे ही लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड में जो ये लॉर्ड है लॉर्ड की जगह लेडी लिख दूँ मैं अगर तो लैंड लेडी और ये है हमारा फेमिनिन जेंडर। ऐसे ही पोस्ट मास्टर का बन जाता है पोस्ट मिस्ट्रेस और स्टेप ब्रदर का बन जाता है स्टेप सिस्टर। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी क्लियर होगा कि जो हमारा कंपाउंड मस्कुलिन जेंडर होता है उसको अगर मैं फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसके कुछ वर्ड्स को मैं चेंज कर दूंगी। देन सम फॉरेन वर्ड्स, कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनका मस्कुलिन फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट होता है हम ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आप सभी को हार्ट, हार्ट जो है हार्ट का मतलब होता है हिरण, है ना। अब ये हिरण जो है ये मेल है, मेल हिरण,
मेल डियर जिसको हम हार्ट बोलते हैं, अगर मुझे इसे फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो मैं बोल दूंगी रो। ऐसे ही हस्बैंड का बन जाता है वाइफ, ऑक्स का बन जाता है काओ, ऐसे ही बुल का भी होता है काओ, सन का हो जाएगा डॉटर, नेफ्यू का हो जाएगा नीस, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आज हमने नाउन ऑफ जेंडर को अच्छे से डिस्कस किया कि व्हाट इज़ नाउन ऑफ जेंडर, व्हाट इज़ इट्स क्लासिफिकेशन, व्हाट आर सम रूल्स ऑफ चेंजिंग अ मस्कुलिन जेंडर इनटू अ फेमिनिन जेंडर। आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर होंगे, ये क्लासिफिकेशन भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके आप सभी देख सकते हैं। आगे और भी काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।